जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। सानी जी, हमारे लिए दुआ करें ना, अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान करे। हाँ हाँ इंशाल्लाह शेरी, सब अच्छा होगा। और जिन लोगों को खुदा पे यकीन हो, अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता। पुलिस स्टेशन जाने से डर रही थी, मुझे किसी को साथ लेकर जाना चाहिए था, बस मुझसे गलती हो गई। सही बात है, ऐसे में किसी मर्द का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तुम मुझे बता देती, मैं मौलवी साहब से कहती, वो खुद चले जाते तुम्हारे साथ। बस हो गई गलती। चलो परेशान ना हो, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा, ठीक हो जाएगी। चीनी, तुम जरा मेरी एक बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करना, बुरा मत मानना। जब तक नसीम आपा जिंदा थी ना, तो कोई फिक्र की बात नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। किस बारे में, क्या मतलब? देखो, इस माशरे में मर्द के सहारे के बगैर एक अकेली औरत का रहना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आज ही का देख लो ना, अगर कोई मर्द तुम्हारे साथ गया होता तो उस पुलिस वाले की हिम्मत होती तुम्हें इस तरह हिरासा करने की? देखो, तुम भी कहोगी कि मैंने ये बात इतनी जल्दी छेड़ दी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत देर हो गई है पहले ही। अब मजीद देर नहीं होनी चाहिए। जोया की ना दवा का वक्त हो गया, मैं उसके लिए पानी लेकर आता। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, उसके पास बैठो, मैं भी अब घर चलती हूँ, मौलवी साहब घर आ गए होंगे। लेकिन सुनो, जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा है ना, इसके बारे में सोचना जरूर। जी चलो, तुम उसके पास बैठो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया सबको अचानक? समझ क्यों नहीं रहा कि मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है मेरा शादी करना।